हाय, पिछले एपिसोड में आपने देखा हम गए थे बालोद जिले के फेमस उनाकोना मंदिर को देखने। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एशिया के फर्स्ट साइफन डैम, जो कि है माडमसिल्ली डैम। इस आर्किटेक्चर मार्वल को 1914-1923 के बीच बनाया गया था एंड आज भी काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है। आप जब भी चले आइए, यहाँ पे पिकनिक मनाते लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो रायपुर से करीब 94 किलोमीटर की इसकी दूरी है, तो वहीं सिर्फ 27 किलोमीटर दूरी है धमतरी से। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा रायपुर, सो आप रायपुर से यहाँ पे अपने प्राइवेट व्हीकल बुक करके आ सकते हैं, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आज हम यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने, एक फैमिली ट्रिप काफ़ी दिनों के बाद। सो जब तक हम अपना लंच एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय कीजिए ये ड्रोन शॉट। तो माडमसिल्ली नाम पढ़ने के पीछे एक किस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि ये डैम बना था अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश राज गवर्नर माडमसिल्ली। सो उन्हीं के नाम पे इस डैम का नाम भी माडमसिल्ली डैम पड़ गया, बट लोकल पीपल कॉल इट माडमसिल्ली एंड मुरमसिल्ली टू। ये जिस नदी पे बना है वो है सिलारी नदी, विच इज़ एक्चुअली अ सब रिवर ऑफ महानदी इट्सेल्फ। यहाँ मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ तो एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ड्यूरिंग माय स्कूल डेज मैं यहाँ पे आया करता था। अगर आप भी चाहते हैं वीकेंड में कहीं घूमना या पिकनिक मनाना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव नियर रायपुर और धमतरी। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।